इनपुट वोल्टेज 12 वोल्टेज है, इनपुट करंट 2.4 एम्पियर है, आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है 53.1 वोल्टेज है और 0.1 एम्पियर करंट है। वोल्टेज को यहां से भी कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं इसको ऐसे, और इसका करंट भी देखेंगे तो फर्स्ट क्लास आ रहा है। और वोल्टेज को मैं कम पे सेट करता हूं, ये 23.2 वोल्टेज ही है, वो लोड को हटाएंगे तो वोल्टेज यही रहेंगे, आउटपुट में भी वोल्टेज को कांस्टेंट देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा बक कन्वर्टर कैसे बनाते हैं, मेरे पास दोस्तों ने काफी कमेंट भी किया इससे बूस्ट कन्वर्टर कैसे बनाते हैं। दोस्तों, ये आईसी है TL494, इस आईसी से बूस्ट कन्वर्टर कैसे बनाते हैं आज का वीडियो इसी के बारे में है, और इससे आउटपुट में करंट और वोल्टेज को कैसे एडजस्ट करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये बूस्ट कन्वर्टर का सेटअप है, वो करीब करीब सभी तैयार हो गया है। और टेस्ट करने से पहले इसके सर्किट डायग्राम को भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। और इसका ये सर्किट डायग्राम है, और सर्किट डायग्राम में देखेंगे सबसे मेन बात आती है यहाँ पर जो स्विचिंग करती है बूस्ट कन्वर्टर में, ये मोसफेट आते हैं। यहाँ पर ये तीन मोसफेट लगा रखे हैं,
ए मोसफेट का नंबर है 80NF55। ये काफी हैवी करंट के मोसफेट लिए हैं क्योंकि बूस्ट कन्वर्टर के अंदर मोसफेट होते हैं वो काफी हीट होते हैं। यहाँ पर मैंने ये केवल प्रैक्टिकल करने के लिए छोटी हीटसिंग लगा रखी है। इसकी हीटसिंग भी बड़ी होती है और उस पर भी फैन लगता है। और आप इसकी जगह पर दूसरे मोसफेट भी लगा सकते हैं। आपको ये स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे काम करते हैं बूस्ट कन्वर्टर के अंदर। ये मोसफेट भी आप लगा सकते हैं लेकिन ये मोसफेट बहुत कम मिलते हैं मार्केट में। यहाँ पर देखेंगे एक डायोड है, ये 3 पिन की डायोड है। इसके नंबर है MUR 3060। ये एक चैनल में 15 एम्पियर का करंट देती है। यहाँ पर दो चैनल मैंने पैरेलल में ले रखा है। और इन मोसफेट को जो ड्राइव करती है, यहाँ पर ये आईसी है TL494। ये KA7500 भी आईसी आती है। ये दोनों आईसी सेम वर्किंग करती है, किसी भी आईसी को आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मोसफेट की गेट पर एक 18 वोल्टेज का जेनर डायोड लगा रखा है। ये डायोड इसलिए लगा रखा है क्योंकि गलती से अगर यहाँ पर इनपुट सप्लाई ज्यादा दे देते हैं, जैसे मान लो 24 वोल्ट की सप्लाई दी और यहाँ पर 24 वोल्ट आएगा तो ये मोसफेट को खराब कर सकता है। क्योंकि इस पे जो मोसफेट की गेट होती है उस पर 20 वोल्टेज मैक्सिमम देते हैं। अलग अलग मोसफेट की अलग अलग वोल्टेज रेटिंग होती है, तो इसलिए ये मोसफेट की सेफ्टी के लिए 18 वोल्टेज का ये जेनर डायोड लगा रखा है। और इसमें स्विचिंग होती है, जब बैक EMF भी आता है वो काफी वोल्टेज स्पाइक आता है उसको भी ये रोकने का काम करता है। और ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ये तीनों मोसफेट पे डिस्चार्ज करने का काम ये रेजिस्टेंस ही करती है। यहाँ पर देखेंगे इस आईसी को सिंगल एंडेड सप्लाई के लिए काम में लिया है। इसकी पिन नंबर 13 को ग्राउंड पे दिया है, इसलिए इसकी पिन नंबर 9 और 10 को एक जगह किया है और इससे सिंगल आउटपुट ही निकलती है। ये जो आउटपुट होती है इसको थोड़ा हैवी किया है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाया है BD-139 और 140 ट्रांजिस्टर। यहाँ पर ये इन तीनों मोसफेट को ड्राइव का काम ये दोनों ट्रांजिस्टर करते हैं और इसको ट्रांजिस्टरों का सिग्नल यहाँ से मिलता है। इस आईसी की पिन नंबर 2 और 1 आउटपुट में वोल्टेज सेट करने का काम करती है। जैसे इस पिन नंबर 2 पर कोई भी वोल्टेज सेट करते हैं वो वोल्टेज कॉन्स्टेंट वोल्टेज होना चाहिए, चाहे सप्लाई इनपुट सप्लाई चाहे कम ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर पिन नंबर 2 पर फिक्स वोल्टेज रहने चाहिए। यहाँ पर जो फिक्स वोल्टेज मिलता है पिन नंबर 14 से मिलता है। इस आईसी में एक रेफरेंस वोल्टेज मिलता है 5 वोल्ट का मिलता है, चाहे यहाँ पर जो VCC सप्लाई हो 8 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट या 32 वोल्ट कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर 5 वोल्टेज फिक्स मिलेगा। इसी 5 वोल्टेज से यहाँ पर रेजिस्टेंस डिवाइडर लगा करके पिन नंबर 2 को 2.5 वोल्टेज यहाँ पर दिया है। जैसे ही पिन नंबर 1 पर 2.5 वोल्ट से ज्यादा आता है तो यहाँ पर जो पल्स आएगी उसको बिल्कुल बंद कर देगी, और जैसे ही 2.5 वोल्टेज से कम होता है तो पल्स चालू हो जाएगी। ये क्रिया इसमें फास्ट स्पीड से चलती है और आउटपुट में वोल्टेज सेट करने का काम इसी से होता है। और आउटपुट में वोल्टेज सेट करेंगे, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है इससे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्विचिंग मोसफेट है इसको जो करंट होता है स्विचिंग का उसको सेट करने का काम ये रेजिस्टेंस करती है यहाँ पर 0.01 ओम की। ये केवल यहाँ से सिग्नल देगा इसमें। और पिन नंबर 15 पर इसको जोड़ेंगे यहाँ से, इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ से ही जोड़ेंगे, बीच में 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस लगाएंगे और जैसे जैसे यहाँ पर वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे इसका करंट बढ़ेगा, और वोल्टेज लेवल को घटाएंगे मिली वोल्टेज को तो करंट कम होगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। मैं इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं और सप्लाई को चालू करता हूँ मैं। इनपुट पर 12.6 वोल्टेज है और आउटपुट में 13.2 वोल्टेज है। आउटपुट में यहां से वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और आउटपुट में जो मिनिमम वोल्टेज है वो यहां पर इनपुट है उससे कम सेट नहीं कर सकते इनपुट पर, क्योंकि यहां पर एक प्लस में डायोड लगी हुई है और ये डायरेक्ट प्लस के साथ में ही जुड़ी हुई है। जो इनपुट वोल्टेज है वो ही आउटपुट में मिनिमम वोल्टेज रहेगा, इससे कम सेट नहीं होगा इसमें। और आउटपुट में वोल्टेज को और बढ़ाते हैं ऐसे यहाँ से, यहाँ पर ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये करंट लेना चालू हो जाएगा और भी ज़्यादा करंट बढ़ेगा। यहाँ पर 5 एम्पियर करंट आ गया है और जैसे इस वोल्टेज लेवल को कम करते हैं तो यहाँ पर करंट कम हो जाएगा इसका थोड़ा। इसको 50 वोल्ट पे ही रखते हैं।
और अब लोड के लिए मैं ये लैंप जलाता हूँ इसमें। यहाँ पर 0.1 एम्पियर है और यहाँ पर 2 एम्पियर आ गया इसका, और 50 वोल्टेज है सेट। और इसको शॉर्ट करेंगे और इसका करंट भी फर्स्ट क्लास आ रहा है। अब इसको कम वोल्टेज पे सेट करते हैं, इसको 23.2 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। अब थोड़ा लोड और देते हैं, इसमें दूसरा लोड लगाते हैं, थोड़ा हैवी लोड। लोड लगाने के बाद में भी जो सेट वोल्टेज किया था 23.2 वही वोल्टेज है इसका, वो लोड को हटाएंगे तभी भी ये वोल्टेज यही रहेगा इसका, ये वोल्टेज को भी स्थिर रखता है। और यहाँ पर TL494 में ये IC है, इसकी पिन नंबर 1 और 2 पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 2 पर रेफरेंस वोल्टेज है वो 2.44 वोल्टेज है, पिन नंबर 1 पर जो ये फीडबैक का वोल्टेज है वह भी ये पिन नंबर 1 पर 2.44 वोल्टेज आ रहा है। इस वोल्टेज लेबल को जैसे जैसे यहाँ पर इसको कम ज़्यादा करेंगे तो ये वोल्टेज का लेबल यही रहेगा इसका 2.44 ही। ये ऐसे इसलिए होता है, जैसे ही यहाँ पर ये 2.4 वोल्टेज अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर जो गेट प्लस आ रही है उसको कम कर देता है और ये मॉस्फेट की स्विचिंग को कम कर देता है। यहाँ पर ये कांस्टेंट वोल्टेज इसी पिन नंबर 1 से सेट होता है। और जैसे ही इस फीडबैक के वायर को हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पिन नंबर 1 पर 0 वोल्टेज आ जाएगा। इसको हटाते हैं तो यहाँ पर 0 वोल्टेज हो गया और इसका जो फुल बूस्ट करने का वोल्टेज है वह आ गया यहाँ पर। और जैसे ही इसको लगाएंगे तो ये वापस जो सेट वोल्टेज किया था उस लेवल पे आके ये रुक जाएगा। वही वोल्टेज का लेवल आ गया है ये 2.4। अब पिन नंबर 15 पर जो करंट सेट करते हैं उसका जो वोल्टेज आएगा वो मिली वोल्टेज में आएगा, ये 65 मिली वोल्टेज है। और यहाँ से इसको कम सेट भी कर सकते हैं करंट को, इसका जो मैक्सिमम स्विचिंग करंट है मॉस्फेट का उसको कम पे भी सेट कर सकते हैं ऐसे। जैसे जैसे मिली वोल्टेज कम होगा वैसे वैसे यहाँ पर जो मॉस्फेट का करंट है स्विचिंग करंट वो भी कम हो जाएगा। अब इसका जो फुल करंट है उसको टेस्ट करते हैं तो यहाँ से इस फीडबैक के वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर जो सेट करंट इसका जो फुल करंट है वो 5 एम्पियर सेट कर रखा है। और यहाँ से इस करंट को बढ़ा भी सकते हैं ऐसे, ये 6 एम्पियर हो गया, 8 एम्पियर हो गया। अब इसको वापस कम पे ही सेट करते हैं, थोड़ा और भी कम सेट कर सकते हैं इसको ऐसे। ये जो करंट है ये केवल मॉस्फेट की सेफ्टी के लिए ही ये करंट सेट है, और आउटपुट में जो इनपुट वोल्टेज है उसका ये कम नहीं करेगा करंट को, ये केवल स्विचिंग करंट को ही कम करेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं ये लोड लगाता हूँ और आउटपुट में ये करंट ले रहा है 2 एम्पियर, और इससे भी कम को करंट को सेट करते हैं, यहाँ से बिल्कुल कम पे करेंगे, बिल्कुल 0 पे। इसका जो पिन नंबर 15 पर रेफरेंस वोल्टेज है बिल्कुल 0 मिली वोल्टेज सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इनपुट करंट है, इनपुट वोल्टेज वाला जो करंट है वह तो रहेगा ही रहेगा। और इस करंट को वापस बढ़ाते हैं, इसको 5 एम्पियर पे वापस ले जाते हैं और 5 एम्पियर पे ही सेट करते हैं। और यहाँ से वोल्टेज लेवल को भी मैं थोड़ा कम पे कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो इंडक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करते हैं वो भी टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैं ये फ्रीक्वेंसी मीटर लगाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी वो 37 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ रही है।
और कोई भी वोल्टेज का लेवल सेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 24 वोल्टेज को सेट करता हूँ, और यहाँ पर पहले अपन ने मैक्सिमम करंट इसका 5 एम्पियर सेट कर दिया था। अब यहाँ पर जो 23.5 वोल्टेज पे यहाँ पर ये करंट आ रहा है वो 2.47 करंट आ रहा है। अब इस फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करेंगे, उस रेंज पर रखेंगे, ये करंट कम से कम हो उस रेंज पर इसको सेट रखेंगे। जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर ये करंट भी बढ़ रहा है इसका, तो ये फ्रीक्वेंसी इसके लिए सूटेबल नहीं है। अब मैं फ्रीक्वेंसी को कम पे सेट कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये स्विचिंग करंट है वो भी कम हो रहा है, और ये जो जहाँ पर मिनिमम करंट पे सेट हो उसी फ्रीक्वेंसी रेंज पे रखना है। इसको 35 किलोहर्ट्ज़ से भी नीचा कर दिया है, लेकिन अब 35 के बाद 30 के बाद में भी ये करंट बढ़ना चालू हो गया है इसका। इसको लगभग 40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे ही ये ठीक रहेगा। यहाँ पर सेट रखते हैं इसको, 40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ रही है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा TL494 में IC लगा करके कैसे बूस्ट कन्वर्टर तैयार करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आप इस चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।